सो गाइस, मोस्ट बैटरी बैकअप बेटर देने वाले आपके पावर बैंक वाले बर्ड्स मेरे पास आ चुके हैं और है ये हॉपअप के ग्रैंड प्रो। एक मैंने हॉपअप के बर्ड्स का अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था, रिस्पांस अच्छा आया तो मैंने सोचा कि इनको भी मंगा के देखते हैं क्या ये यहाँ पे वर्थ रहते हैं कि नहीं रहते। ये मैंने अपने पैसों से मंगाए, ऑन फ्लिपकार्ट से मैंने इसको मंगाया, ऑर्डर किया है। 700 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलते हैं ये, और उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। AC कोडेक मिलता है यहाँ पे, साउंड क्वालिटी अच्छी है और यहाँ पे 200 घंटे का प्ले टाइम मिलता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसका USP है और उसी के साथ साथ यहाँ पे एमरजेंसी पावर बैंक फंक्शन भी मिल जाता है, टाइप सी मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग। तो गाइस 700 रुपये में और क्या चाहिए, एमरजेंसी इसको पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बट कितने एमएच की बैटरी कैपेसिटी है इसमें, 1800 mAh बैटरी कैपेसिटी है। तो गाइस यहाँ पे एमरजेंसी में आप अराउंड 20-30% अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो। अराउंड आपका 5000 mAh का भी है फोन तो आराम से 20-30% यहाँ पे चार्ज होगा, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और मेड इन इंडिया है तो ये प्रोडक्ट अच्छा है। यहाँ पे मेड इन इंडिया तो था यहाँ पे कहीं पे, ये रहा मेड इन इंडिया बेसिकली। और रेंज भी यहाँ पे 15 मीटर तक की मिल जाती है। तो गैस इस वीडियो में ये भी बताऊंगा यहाँ पे कैसे मैंने इसको 199 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में बाय किया। तो गैस स्टिक रहेगा इस चैनल पे, ठीक है। तो गैस चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको सील मिल जाती है और नीचे की साइड भी सील मिल जाती है। नीचे की साइड से सील नहीं मिलती, बट इस तरीके की अनबॉक्सिंग के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो गाइज मैं आगे से अनबॉक्सिंग इस तरीके की अनबॉक्सिंग नहीं लाऊंगा। बहुत ही बेस्ट अनबॉक्सिंग आपके लिए नहीं लेके आऊंगा। तो गाइज एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, जहाँ पर हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है। तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर बैंक मिलता है एक अलग से। नो गाइज यहाँ पे ये मिल जाता है, इसके अंदर कुछ रखा हुआ है एक्चुअली। ये क्या है, ओके ये आपका डोंट नो ये क्या है, दिया गया कार्ड दिया गया, थैंक यू कार्ड है क्या। प्लीज़ रिमूव द प्लास्टिक फिल्म बिफोर यूजिंग ईयरबड्स, तो ये बोलने के लिए यहाँ पे दिया गया है, आई डोंट नो यहाँ पे। और यहाँ पे गाइज ये मेरे को माउस जैसा लग रहा है, काफ़ी बड़ा लग रहा है, यस माउस जैसा लग रहा है बेसिकली। और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाती हैं, टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाती है आपको, और साथ में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे यूज़र मैनुअल है और साथ में वारंटी इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। अब हम इसको रखते हैं साइड में, मेन हमारे माउस पे आते हैं। तो गाइस माउस नहीं बेसिकली ये बर्ड्स हैं, तो इस पे आते हैं और इस तरीके से पैक किया गया है। और देखना मेरे को, ओके इसके ऊपर की पन्नी भी हट गई है। तो गाइस ब्लैक शेड में मैंने मंगाया है, एक इसका वाइट शेड भी आता है तो आप चेक कर सकते हो। बेस्ट पैकिंग वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वाइट शेड वाला भी काफ़ी अच्छा लगता है, ब्लैक वाला थोड़ा सा क्लासी लग रहा है। ओके कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, 700 रुपये में मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी क्वालिटी मिलेगी, बट क्वालिटी काफ़ी डिसेंट लगी मेरे को, काफ़ी अच्छी लगी इसकी क्वालिटी डेफिनेटली यहाँ पे। और ये मतलब टाइट है बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, हॉपअप की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको देखो टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और इवन आप इससे दूसरे बर्ड्स को भी चार्ज कर सकते हो, यस यहाँ पे अगर लगाओगे तो आपके दूसरे बर्ड्स भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को फीचर लगा इसका। और गैस यहाँ पे ये मेन बर्ड्स मिल जाते हैं, बर्ड्स की क्वालिटी चेक करनी है मेरे को। यस गैस बर्ड्स की क्वालिटी डिसेंट है, बर्ड्स की क्वालिटी मेरे को उतनी अच्छा नहीं लगी जितना केस की क्वालिटी लगी। केस की यहाँ पे मैट फिनिश है, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश मिलता है, फिर वापस ही यहाँ पे मैट फिनिश मिलता है, बट इतना तो हम वो कर ही सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा। यहाँ पे इसको चार्जिंग के लिए इसको पिंस यहाँ पे इसको निकाल लेना है, दैट्स इट। अब गैस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 200 रुपये में कैसे पड़े मेरे को ये, तो गैस रुक जाओ थोड़ा सा और रुक जाओ, नहीं तो अभी बीच में छोड़ के चले जाएंगे और लोग बाय करने चले जाएंगे सीधे इसको बर्ड्स को। यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाता है ये, और ये रहा इसको भी हम निकाल लेते हैं, और ये बर्ड्स आपके चार्ज होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें काफ़ी अच्छा यूनिक फीचर है कि यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे प्रॉपर चार्जिंग इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे देखो तो लेफ्ट और राइट कितना चार्ज हो रहा है दिखा रहा है। यहाँ पे केस की बैटरी 100% है, तो ये मेरे को काफ़ी कमाल का कूल फीचर लगा। अब गैस 700 रुपये में और क्या ही लोगे, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ अभी इस वीडियो को रोक दो और चुपचाप बाय कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, आप बाय कर सकते हो। नो गैस अभी पूरा इसका रिव्यू देख लो आप फिर बाय करना। यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं और मैं मेन जो बर्ड्स है उसकी क्वालिटी आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे हॉपअप की ब्रांडिंग है, यहाँ पे आपको ये टच पिन्स मिल जाती हैं चार्जिंग के लिए, मतलब चार्जिंग के लिए नहीं यहाँ पे टच कंट्रोल मिलता है, और यहाँ पे मेटल का मैश मिलता है, यहाँ पे आपको सिंगल माइक मिलता है मेरे ख्याल से, यहाँ पे डबल माइक का सपोर्ट नहीं है। देखो यहाँ पे सिंगल माइक मिलता है, ये रहा इधर नीचे की साइड, दैट्स इट, अलग से एक और माइक नहीं मिलता है इसमें, तो ये है थोड़ा सा। तो इसमें ENC प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो आप समझ लो कि मतलब मीडिया कंजप्शन के लिए ये बर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं है कि मतलब आप इनको यूज़ करो उस चीज़ के लिए। गेमिंग भी मिल जाएगी इसमें, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे लो लेटेंसी का ऑप्शन मिलता है, बट ये प्रॉपरली कॉल के लिए नहीं बनाए गए हैं, ठीक है,
क्योंकि इसमें मल्टीपर्पज़ यूज़ मिल जाता है। आपको पावर बैंक का भी सपोर्ट मिल रहा है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, 1800 mAh बैटरी का केस मिल जाता है, और गैस यहाँ पे लॉन्ग रन टाइम मिलता है 200 घंटे का केस के साथ पर्टिकुलरली, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, इसको पेयर करते हैं अपने फ़ोन के साथ और सुनते हैं इसकी साउंड क्वालिटी करके। इसको हमको पेयर कर लेना है और ये आपके पेयर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पेयर पे टैप करना है और AC कोडेक भी सपोर्ट मिलता है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे पेयर हो चुके हैं, देख सकते हो 70% बैटरी है। तो गैस अब एक काम करते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी सुनते के देखते हैं। तो गैस अब यहाँ पे आप साउंड क्वालिटी सुनोगे इसकी, जो बेस मिलता है ना बहुत ही तगड़ा मिलता है वैसे इसमें, और मेरे को बेस की क्वालिटी अच्छी लगी, बट थोड़ा सा फुल साउंड पे डिस्टॉर्ट कर रहा है वैसे ये, ठीक है। लाउडनेस कम है मेरे ख्याल से अदर जो बर्ड्स हैं, अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ। मेरे पास यहाँ पे बोट के भी हैं इमॉर्टल 150, इसमें लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है इनसे तो, और साउंड क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है हॉपअप से। बट अगेन थोड़ा तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये कम प्राइस ब्रैकेट में मिलते हैं और ऑलमोस्ट ये डबल प्राइस में देखने को मिलते हैं, तो ये भी है डिफरेंस। बट अगेन गाइस यहाँ पे साउंड क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को, जो मीडिया कंजप्शन के लिए लेना चाहते हैं बहुत ही कमाल के हैं ये, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉल क्वालिटी चेक कर लेते हैं किस तरीके से कैसे क्या मिलती है इसकी। सो गाइस यहाँ पे मैं टच कंट्रोल दिखाया तो आपको, यहाँ पे तीन वो दिए गए, तो यहाँ पे टैप करना है आपको, ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और किसी वर्ड पे आप टैप टैप करते हो तो यहाँ पे प्ले पॉज हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और डबल टैप से मेरे ख्याल से चेंज होगा, नेक्स्ट साउंड हो जाएगा आपका, इस पर करना है आपको, ओके। डबल टैप से आपका ये वो हो रहा है और तीन टैप से आपका म्यूज़िक चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं प्रेस एंड होल्ड करके रखता हूँ तो आपका ये वॉइस असिस्टेंट ओपन कर देगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेटेंसी, जो गेमिंग मोड है बेसिकली कैसे ऑन करना है आपको, दोनों ही बर्ड्स को आपको थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड प्रेस एंड होल्ड करना है, उसके बाद आपका लो लेटेंसी गेमिंग मोड आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टच कंट्रोल काम करते हैं। सो गाइज अदर कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो यहाँ पे इस तरीके से कैसे काम करते हैं, ठीक है। प्ले पॉज आपका सिंगल टैप से होता है, डबल टैप से आपका वॉल्यूम अप डाउन होता है, और स्किप करने का ये रहा आपका, देख सकते हो प्रीवियस सॉन्ग नेक्स्ट सॉन्ग तीन बार टैप करने से हमने आपको बता दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ गेमिंग मोड में आपको 5 बार यहाँ पे प्रेस करना है तो आप गेमिंग मोड में आप एंटर कर जाओगे, ठीक है। 5 बार आप टैप करोगे तो वापस से आप इसको एग्जिट कर जाओगे, तो इस तरीके से आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब गाइस यहाँ पे मैं कंक्लूजन देता हूँ यहाँ पे हॉप अप के ग्रैंड प्रो की। तो गाइस कंक्लूजन में मेरे को तो काफ़ी बेटर लगे, और 200 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में कैसे पड़े मेरे को बताता हूँ। एक्चुअली मैंने क्या किया था, मेरे पास एक प्रोडक्ट था जिसको मैंने वापस किया था और गिफ्ट कार्ड पड़ा था मेरे पास, उसमें उसी का ही रिफंड आया था। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था कि मेरे पास रिफंड आया नहीं अभी तक, जो पहले एक मैंने प्रोडक्ट मंगाया था तो उसका गिफ्ट कार्ड की जगह उन्होंने रिफंड दे दिया। तभी मैंने जब इसको बुक करने जा रहा था तो 199 रुपीज़, मतलब 200 रुपीज़ शो कर रहा था, तो मैं हैरान हो गया 200 रुपये में कैसे मिल रहे हैं। फिर मैंने देखा कि जो गिफ्ट कार्ड शो कर रहा है, तो गिफ्ट कार्ड ऐड करने के बाद 500 रुपीज़ का अराउंड ये मेरे को 200 रुपये में पड़े थे। तो 699 के हैं वैसे 700 रुपये के, तो 500 रुपये का गिफ्ट कार्ड यूज़ हो गया, तो वही अगेन 200 रुपये के पड़ गए गैस। तो गैस ऐसा कुछ नहीं है 200 रुपये के पर्टिकुलरली मेरे को पड़े, ये कि मेरे पास गिफ्ट कार्ड मेरे को मिल गया था जो मेरे ओल्ड ऑर्डर का था, उसकी वजह से मेरे को अराउंड 200 रुपये के पड़ गए हैं, ठीक है। तो गैस ये सिंपल सा रिव्यू था, अनबॉक्सिंग थी हॉप अप की ग्रैंड प्रो का। अगर आपका क्वेरी इन बर्ड से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे इसका पावर बैंक कैसे काम करता है वो तो मैंने बताया नहीं यहाँ पे, तो वो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, क्या मैं यहाँ पे वॉच को भी चार्ज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया और हमारी एक ऑनर की वॉच है तो उसको हम चार्ज करके देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे चार्ज होगी, यस चार्ज होने स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे एज अ पावर बैंक भी यूज़ हो रहा है। यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है और यहाँ पे वॉच चार्ज हो रही है आपके सामने, ठीक है।
क्या यहाँ पे फ़ोन भी चार्ज हो पाएगा इससे, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। उससे पहले हम बर्ड्स को भी चेक कर लेते हैं एक बार, बर्ड्स चार्ज होंगे कि नहीं यहाँ पे। यस, बर्ड्स भी चार्ज हो रहे हैं, ठीक है इस तरीके से। और यहाँ पे आपका परसेंटेज शो करेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब गैस यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या फ़ोन चार्ज होगा, होना चाहिए गैस, होना चाहिए वैसे तो, देखते हैं। यस, चार्ज हो रहा है, बट यहाँ पे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। यस, नॉर्मल चार्जिंग है, ऑब्वियसली बात है, 5 वाट की चार्जिंग दे गई, ऐसा नहीं आपको 18 वाट की चार्जिंग दे दे, 15 वाट की, तो नॉर्मल चार्जिंग हो रही है इसमें, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे भी। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे एमरजेंसी के लिए ऐसा पावर बैंक भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं भी मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।